10 दिसंबर 2021 शुक्रवार यानी आज से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, जो कि 10 दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। वास्तु शास्त्र में भी कुछ अन्य वस्तुओं का खास संबंध भगवान गणेश से माना जाता है। यदि आज इन 5 में से एक भी वस्तु घर लाई जाए तो भगवान गणेश के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर परिवार पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। धन से संबंधित परेशानियां दूर करने के लिए नृत्य करते गणेश प्रतिभा घर में रखना शुभ माना जाता है। प्रतिभा को इस तरह रखें कि घर के मेन गेट पर भगवान गणेश जी की दृष्टि पड़ती रहे। बांसुरी घर में रखने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और धन पाने के योग बनने लगते हैं। जिस घर में एकाक्षी नारियल रखा जाता है और इसकी नियमित पूजा की जाती है, वहाँ नेगेटिविटी नहीं ठहरती है और ना ही कभी धन धान्य की कमी होती है। शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। जिस घर के पूजा स्थल में शंख की स्थापना की जाती है, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। भगवान कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उत्तर दिशा में इनकी मूर्ति रखने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। घर का जो हिस्सा वास्तु के अनुसार सही ना हो, वहाँ घी मिश्रित सिंदूर से श्री गणेश स्वरूप स्वास्तिक दीवार पर बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम होने लगता है। आए दोस्तों, अथर्ववेद की गणेश उपनिषद के अनुसार दुर्वा को घी में डुबोएं और आहुति दें। यह मंत्र बोलकर आहुति डालें कि ओम गण गणपताये स्वाहा। जिन लोगों को समाज में हर काम में विफलता मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती, अपयश मिलता है, वे लोग साल में घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो कार्य सिद्ध होते हैं और यश की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।